वी स्टडी द इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल को आज हम कंप्लीट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज द टॉपिक, है ना। तो अब तक हम बात कर रहे थे सिंगल चार्ज वगैरह की, तो अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है कि इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करोगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। कि जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे तो ये होता है ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। है ना, प्लेस्ड एट, है ना, स्मॉल सेपरेशन, स्मॉल सेपरेशन। कि जब भी कोई पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा जो कि स्मॉल सेपरेशन में प्लेस्ड होगा तो उसी को हम क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे आपका कोई नेगेटिव चार्ज है और इससे किसी स्मॉल सेपरेशन पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब पूरे सिस्टम का चार्ज जीरो होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो माइनस क्यू है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये प्लस क्यू है और इसके बीच का सेपरेशन हम ले लेते हैं टू ए, है ना। टू ए इन दोनों के बीच का क्या है, सेपरेशन है, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हम इसे डाइपोल बना लेंगे, है ना। कई नेचुरल डाइपोल भी होते हैं लाइक एस सी एल इज ऑल्सो डाइपोल, है ना, कि नेचुरल मॉलिक्यूल भी कैसे बिहेव करते हैं एज ए डाइपोल। तो एस सी एल एज ए डाइपोल है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसलिए आपका एक डाइपोल बन जाएगा, है ना। लेकिन इसकी आपको बात नहीं करनी है, तो जस्ट हम फिजिकल बात कर रहे हैं। तो ये आपका कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब डाइपोल में सबसे पहले जो चीज़ हम डिफाइन करते हैं, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होगा, है ना, कि इस डाइपोल का डाइपोल क्या होता है, इसलिए आपका मोमेंट, जिसको कि हम पी से शो करते हैं। और पी जो होता है वो होता है चार्ज इंटू सेपरेशन। कि चार्ज को जब सेपरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, है ना। और डाइपोल मोमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। जब भी हम डाइपोल मोमेंट लेंगे तो कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो सिंपल से हम बोलेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो कई बार क्या होता है ना, डाइपोल को हम पूरा नहीं बना के सिंपल से ऐसे सोच लेते हैं कि भाई ये कोई डाइपोल है, बाकी चीजें अंडरस्टूड हो गई, ये डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट पी है। ऑब्वियस बात है कि इस तरह से अगर डाइपोल है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, है ना। तो ये तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, कि सिंपलेस्ट फॉर्म में पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है जो कि स्मॉल सेपरेशन पे प्लेस्ड है। अब हम आते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कि डाइपोल मोमेंट सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से कितना होगा, है ना। कि जब भी हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की, हाँ वैक्टर एरो टू ए पे है, हाँ बिल्कुल सही है, वैक्टर का जो एरो है ना वो टू ए पे पुट करेंगे क्योंकि इस चार्ज स्केलर होता है ना, तो क्यू पे हम पुट कर नहीं सकते, टू पे पुट नहीं कर सकते, तो वेक्टर चीज जो होगी वो ए टू ए ही होगी, है ना, मतलब टू ए ही इसमें वेक्टर होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, क्योंकि चार्ज तो स्केलर होता है ना। तो अब इस बात है चार्ज स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर आएगा, इसलिए टू ए के ऊपर लगा रहे हैं कि जो टू ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी, डाइपोल मोमेंट की, और टू ए वेक्टर की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, है ना। तो हम कर सकते हैं ऐसे। अब एक चीज आ गया कि डाइपोल मोमेंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, कि आपको निकालना है कि व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। कि पहली चीज कैलकुलेशन की ही होती है कि सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से हम डाइपोल मोमेंट कैसे निकालें, है ना। पहला डाइपोल मोमेंट में जो सब टॉपिक होता है दिस इज डाइपोल मोमेंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। कि कोई भी अगर सिस्टम ऑफ चार्ज है तो उसकी वजह से हाउ टू कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। तो सिस्टम ऑफ चार्ज इस तरह से हो सकता है आपका कि जैसे अगर मैं क्या शेयर करने का फायदा नहीं होगा, मैं यही बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे सपोज आपका कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ, कि देयर इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ सपोज हम ले लेते हैं कोई आर है ना, और उसमें चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ भी एक माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे जो चार्ज है ये प्लस टू क्यू है, है ना। तो आपको जानना होता है कि सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कि आपसे जस्ट ये निकालना होता है कि फाइंड आउट डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम,
कि आपको निकालना होता है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम क्या होगा, कि सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो कुछ नहीं है, आपको पेयर ही तो बनाना होता है कि भाई पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को हम डाइपोल बोलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो आपका 2q है इसको अलग अलग एज्यूम कर लूंगा, ये जो 2q चार्ज है ये अलग अलग है आपका, इस तरह से कि टोटल चार्ज 2q था इसको हम सेपरेट कर लेते हैं इस तरह से, है ना, कि टोटल चार्ज जो 2q था इसको हम q एंड q अलग अलग मान लेते हैं। एक q चार्ज ने इस माइनस के साथ डायपोल बना लिया, एक q ने इसके साथ डायपोल बना लिया। तो आपको पता है ये जो डायपोल मोमेंट होगा निगेटिव से पॉजिटिव होगा, मतलब उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये जो डायपोल होगा फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ होगा। और चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मतलब बीच में एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, हाँ। तो हम जब पी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम लिखेंगे पी इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू आर। पहले तो मैंने डायरेक्शन ले लिया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पहले आपका आ गया क्यू इंटू आर इंडिविजुअल डायपोल का डायपोल मोमेंट आ गया, कि चार्ज का मैग्नीट्यूड को सेपरेशन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इसका रिजल्टेंट, तो पी एंड पी का रिजल्टेंट कोई हॉरिजॉन्टल जे कैप होगा ना डायरेक्शन में, जे कैप हो जाएगी कि भाई पी एंड पी का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसके लिए आपका ऐड हो जाएगा, ये जो चीज होगी ये रूट थ्री पी हो जाएगी, है ना। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा इस पूरे सिस्टम का, ये तो ए सिंगल पेयर का है, दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ सिंगल पेयर, पूरा नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो आपका रूट थ्री पी हो जाएगा, है ना। और P की जगह पे हम QR पुट कर देंगे तो रूट थ्री क्यू आर हो गया, और डायरेक्शन की जगह पे हम जे कैप लगा देंगे, है ना, कि इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट आपका P था P और P का रिजल्टेंट रूट थ्री पी हो गया, और एक P की वैल्यू जो थी वो Q इंटू आर थी। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेयर बनाना है और डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेना है ना, और नॉर्मली सिस्टम ऑफ चार्ज कुछ भी हो सकता है ना, बस पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज पे जीरो चार्ज होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं भी है तो किसी एक चार्ज को छोड़ दो, वो डाइपोल नहीं बना रहा है, तो मान लो जीरो नहीं भी है तो एक ही डाइपोल बन रहा है, जैसे इसमें अगर ये माइनस क्यू और क्यू होता, दूसरा क्यू नहीं होता तो एक ही डाइपोल बन जाता, किसी भी एक पेयर को हम ले लेते, है ना। तो नॉर्मली पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे फर्स्ट तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि ये कोई रेगुलर हेक्सागोन है ना, किस तरह से ये क्या है बेसिकली आपका रेगुलर हेक्सागोन है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है बेसिकली आपका माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू, और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है माइनस टू क्यू एंड ये आपका प्लस टू क्यू, और इस हेक्सागोन की साइड लाइन जो है वो ए। तो आपसे पूछा गया कि भाई इसमें डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो पेयर बनाना है आपने, तो हम बोलेंगे एक पेयर तो सीधे सीधे ये बन गया, है ना, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, एक पेयर ये बन गया निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है ना। इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा अगर साइड लेंथ ए है तो ये डाइपोल मोमेंट क्यू ए हो जाएगा, ये भी क्यू ए हो जाएगा, और एक पेयर आपका ये बन गया, सब सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो ये जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इस तरफ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टू ए डिस्टेंस हो जाएगी इसके बीच में, अगर साइड लेंथ ए है तो ये वाला डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टू ए, ये आपका डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2q इंटू 2a हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है कि ये दोनों डायपोल मोमेंट तो कैंसिल हो गए ना आपस में, कि जितना लेफ्ट वर्ड है उतना राइट वर्ड है, तो ये कैंसिल हो गया तो यही बच गया, तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा, है ना, ये आपका 4qa हो जाएगा आई कैप, है ना। इसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा ये कितना हो जाएगा, इसलिए आपका 4qa आई कैप हो जाएगा। आप कैसे भी ले लो, आप चाहते तो इस तरह से बना सकते थे, तो कोई जरूरी नहीं कि हम लीनियर लें, किसी एंगल पे भी ले सकते थे, वो रिजॉल्व उजॉल्व होके यही बच जाएगा, है ना, कि अल्टीमेटली आपने पेयर बनाया, इस डायपोल को इस डायपोल ने कैंसिल कर दिया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, फिर ये बीच वाला बच गया, तो माइनस टू क्यू से प्लस टू क्यू की तरफ, तो टू क्यू को सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हेक्सागोन में ये साइड टू ए हो जाएगी, तो ये डायपोल मोमेंट हो गया, ये इसका आंसर आ गया। तो पॉइंट चार्ज में तो ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, है ना, कि सिस्टम ऑफ चार्ज में अगर हम बात करें तो, है ना, पॉइंट चार्ज में इस तरह से पेयर बना के हम क्या निकाल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट, है ना, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
की सिक्योरिटी आपको। या भाई तो ये इस तरह से हम इसमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। डाइपोल हो गया है ना। चलो इसका तो आते हैं, जैसे कोई कंटिन्यूस सिस्टम भी हम ले सकते हैं है ना, कि हम यहां पे बात कर सकते हैं बेसिकली आपका, नहीं ऑल पेयर्स नहीं लेना है, एक चार्ज एक ही पेयर का पार्ट होगा है ना, एक चार्ज आपने अगर एक पेयर का पार्ट ले लिया तो फिर आपको दूसरे पेयर में उसको यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना। एक पेयर जब एक, अगर जैसे आपने ये ले लिया ना, अगर ऐसे इस तरह से जैसे आपने यहाँ पे ये अगर ले लिया इस माइनस क्यू एन प्लस क्यू को, तो ये खत्म हो गया, ये डाइपोल बन गया है ना। अब इसको दूसरे के साथ पेयर नहीं बनाना है, इसको ले लिया तो ये खत्म हो गया, तो एक एक करके लेते जाना है आपने। वो पोटेंशियल एनर्जी जैसे इंट्रेक्शन नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जब निकालते थे ना तो ऑल पॉसिबल इंट्रेक्शन लेते थे, इसमें ऐसा नहीं करना है। एक बार कोई डायपोल का पार्ट हो गया चार्ज तो फिर उस दूसरे डायपोल में उसको नहीं लेना है ना, तो ये ध्यान रखना है इसमें। वे पेयर्स बनाते हुए चलना आपको। सर अगर सिस्टम का एक चार्ज रह गया गलती से, डायपोल नहीं बना, उसको तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, वो ऐसे ही रह जाएगा। तो बाकी डायपोल्स का वेक्टर सम लिख देंगे, बाकी डायपोल का हम वेक्टर सम रख देंगे। एक से चार का छूट गया तो उसको छोड़ देंगे, वो डाइपोल का पार्ट ही नहीं है, बाकी टाइप का हम वेक्टर सम लिख देंगे है ना। इससे और सर तो उस डायरेक्शन की, जो डाइपोल की डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड दोनों दोनों ही होगा, जैसे वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा उस चार्ज से। नहीं देखो, डाइपोल मोमेंट को इससे मतलब नहीं है, जब फोर्स की वजह से हम फील्ड या पोटेंशियल निकालेंगे तो उसमें इन्फ्लुएंस आएगा। डाइपोल मोमेंट तो पेयर की प्रॉपर्टी है, उस तो डेफिनेशन है ना। डाइपोल मोमेंट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको है ना, डाइपोल मोमेंट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। तो लेकिन जो पेयर प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी वजह से फील्ड एंड पोटेंशियल निकालेंगे तो जो चार्ज छूट गया वही फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो वेक्टर सम में वो फील्ड आएगी, वो तो अलग चीज होगी। तो अभी तो फिलहाल हम डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो यूजलेस सिस्टम में नेट चार्ज जीरो होगा है ना। यूजलेस सिस्टम में नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो जैसे ये तो मैंने बताया कि पॉइंट सिस्टम ऑफ चार्ज, ऐसा डिस्क्रीट सिस्टम भी हो सकता है ना। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब ये हो गया कि इसको जैसे ही आप करोगे तो डिस्क्रीट का मतलब इस तरह से, सॉरी कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ चार्ज, कंटिन्यूस भी हम ले सकते हैं, डिस्क्रीट तो यही हो गया। तो जो कंटिन्यूस होगा उसमें कोई चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उसका भी हम डाइपोल बना सकते हैं कि उसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कोई इस तरह से, इसका सेकेंड केस हम ले लेते हैं, कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ चार्ज, कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ चार्ज, कि भाई कोई भी अगर कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ चार्ज है तो उसकी वजह से कितना हो जाएगा है ना। तो जो कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ चार्ज होता है उसमें हम इस तरह से ले सकते हैं कि सपोज आपका यहाँ पे कोई हाफ रिंग गैस है लाइक दैट, या आपने कोई हाफ रिंग ले लिया है ना, और इस हाफ रिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। केस हाफ रिंग में हम क्या ले रहे हैं, बेसिकली आपका चार्ज ले रहे हैं ऐसे है ना, और चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होगी। तो जो इसकी चार्ज डेंसिटी है उसके बारे में आपको ये दिया हुआ है कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, और इस हाफ रिंग की जो रेडियस है वो आर है ना, और इसमें थीटा जो लिया हुआ है ना ये वर्टिकल से लिया हुआ है, ये ऐसा है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम गलत बनाया ना, क्योंकि जब लैम्डा इज इक्वल टू, अगर लैम्डा नॉट कॉस थीटा है, जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जैसे थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो मतलब हाफ रिंग में यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि नेगेटिव हो जाएगा, ये सारे चार्ज है ना, कि फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव है और सेकंड हाफ में क्या है, बेसिकली आपका नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा है ना। अब इसका मुझे डाइपोल मोमेंट निकालना है कि भाई एक रिंग के एक क्वाड्रेंट में पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे में नेगेटिव चार्ज है, और ये चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, तो इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसलिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसे,
थोड़ा सा और अच्छा डायग्राम ला देता हूँ मैं आपको, है ना, कि इसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, बेसिकली आपका कैलकुलेट, है ना, इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो बहुत इजिली आप कैलकुलेट कर लोगे इसे, है ना। बस थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि चार्ज कंटिन्यूस हो गया ना, तो यहाँ पे आपने कोई हाफ रिंग ले लिया ऐसे, है ना, ये प्रोसेस हम कई बार कर चुके हैं, कोई भी चीज़ वेरिएबल होती है तो कैसे करते हैं इसे। ये आपका हाफ रिंग हो गया, आपने बोला इस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट हाफ में चार्ज पॉजिटिव होगा और इसमें चार्ज क्या हो जाएगा, इसलिए आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब प्रॉब्लम है ना कि चार्ज के बीच का सेपरेशन वेरिएबल है, यहाँ अगर सेपरेशन लेंगे तो 2R हो जाएगा, धीरे धीरे सेपरेशन चेंज होता जाएगा ना, तो हम बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेपरेशन इज वेरिएबल। पहले ये डिसाइड करना होता है कि इस केस में वेरिएबल है क्या, तो चार्ज के बीच का डिस्टेंस वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप एलिमेंट ले लो, ये अगर सेंटर है तो आप वर्टिकल से थीटा एंगल पे आप एक एलिमेंट ले लो, है ना, इस एलिमेंट का एंगल हो जाएगा डी थीटा और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो प्लस डी क्यू हो जाएगा। सिमिलरली आपको पेयर बनाना है तो एक नीचे भी लेना पड़ेगा, सेम वैसे ही कि सेम थीटा एंगल पे आप इस तरह से सेम सिमेट्रिकल एलिमेंट ले लोगे, बस इस पे चार्ज क्या हो जाएगा माइनस डी क्यू, है ना, क्योंकि ऊपर आपने लिया प्लस डी क्यू तो पेयर बनाने के लिए माइनस डी क्यू लेना पड़ेगा ना, तो जो डाइपोल मोमेंट बनेगा इस एलिमेंट की वजह से उसकी डायरेक्शन आपकी हो जाएगी ऐसे, और ये जो डाइपोल मोमेंट होगा ये डी पी हो जाएगा, भाई माइनस डी क्यू और प्लस डी क्यू एक डाइपोल मोमेंट बना देंगे डी पी, और ये हो जाएगा डी क्यू को सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो जो सेपरेशन होगा वो 2R cos theta हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड, भाई ये सेपरेशन तो निकालना है मुझे ये वाला, तो अगर ये रेडियस आ रहा है तो ये डिस्टेंस भी आर कॉस थीटा होगी और ये डिस्टेंस भी आर कॉस थीटा होगी, है ना, कि सिमेट्रिकल अगर हम एलिमेंट ले लें तो ये दोनों आर कॉस थीटा हो जाए, तो अगर ये दोनों आर कॉस थीटा होंगे तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू डी क्यू इंटू 2R cos थीटा हो जाएगी, और डी क्यू की जगह पे हम पुट कर सकते हैं, डी क्यू की जगह लैम्डा नॉट कॉस थीटा तो चार्ज डेंसिटी है, इसको हम आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डी क्यू चार्ज हो जाएगा, लैम्डा को लेंथ ऑफ द आर्क से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ ऑफ द आर्क से, है ना, इनटू ये आपका टर्म पहले जैसा ही होगा 2R cos थीटा, है ना, ये चार्ज है ये सेपरेशन है, तो चार्ज की वैल्यू को हम इतना पुट कर सकते हैं और सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे पेयर बन जाएंगे, तो टोटल डाइपोल मोमेंट जब बनाओगे तो इसी को तो आप इंटीग्रेट कर दोगे, तो जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उसको तो हटा लेते हैं हम, तो कांस्टेंट टर्म्स आपके हो गए मेरे ख्याल से 2R स्क्वायर इंटू लैम्डा, है ना, और यहाँ पे वेरिएबल टर्म आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, है ना, इसको इंटीग्रेट कर देना आपने और लिमिट हो जाएगी 0 से लेके पाई बाई 2 तक, 0 से पाई तक नहीं होगी क्योंकि थीटा जैसे जैसे यहाँ से डाइपोल बनना स्टार्ट होगा, जैसे थीटा 90 हो जाएगा पेयर खत्म हो जाएंगे ना, तो थीटा की जो लिमिट होगी 0 से कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, तो इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे, है ना, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसको रिप्लेस करके आप इंटीग्रेट कर लोगे तो इससे डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, है ना, तो जब इसको हम यूज करेंगे तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यू विल गेट, तो डाइपोल मोमेंट का जो आंसर आएगा इस केस में, है ना, इस पूरे सिस्टम का जो डाइपोल मोमेंट होगा, है ना, वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पूरे सिस्टम का जो इस केस में डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट आप वैसे कैलकुलेट कर लेना इसे, मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ, हाँ ये आ जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी पाई लैम्डा नॉट इनटू आर स्क्वायर, ये इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, है ना, तो ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, तो डाइपोल कंटिन्यूस सिस्टम भी बना सकता है, डिस्क्रीट सिस्टम भी बना सकता है, तो दिस विल बी कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट, है ना सर, वो आर कॉस थीटा वाला पॉइंट समझ नहीं आया, आर कॉस थीटा बेटा आप ये देखो कि जैसे ये आपका कोई रिंग था, हाफ रिंग था, आपने बोला ये डिस्टेंस आर है और ये एंगल अगर थीटा है तो ये बेस इसका कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा, ऐसे आपने एक सिस्टम यहाँ भी ले लिया सेम सिमेट्रिकल,
ये एंगल अगर थीटा है और ये रेडियस है, ये भी आपका और कॉस थीटा हो जाएगा। तो मतलब आपने जो दो चार्ज यहाँ पे लिए हैं, एक चार्ज आपने लिया है यहाँ पे प्लस डी क्यू और एक चार्ज आपने लिया है माइनस डी क्यू, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टू आर कॉस थीटा। टू आर कॉस, चार्ज को सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो ये इसका डाइपोल मोमेंट आ गया है ना। तो सबसे पहले आपको यही आना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट है ना, कि डाइपोल मोमेंट हम निकालें कैसे है ना, कि किस तरह से आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करोगे। है ना, तो दोनों का डाइपोल मोमेंट निकालना चाहिए। वैसे जस्ट आपको पेयर बनाना है और सम करना है, और सम आपका बहुत ज़्यादा अगर एलिमेंट की वजह से होता है तो उसी को तो इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, इंटीग्रेशन का पर्पज़ यही होता है। तो आपने इस तरह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो फर्स्ट इसका जो डाइपोल का कंसेप्ट है वो डाइपोल मोमेंट निकालना है ना, कि फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। दूसरा जो चीज़ आती है इसमें, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, कि कोई भी डाइपोल अगर है वो चार्ज से मिलकर तो बना हुआ है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होगा, फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल है ना, कि किसी भी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल कितना होगा है ना, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, ये आपका ऐसा है ना। तो ये थोड़ा सा मैं डिफरेंटली आपको डिराइव कर रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पहले तो वैसे केस जो होता है ना वो एकदम बड़ा सिंपल सा होता है, कि ये अगर कोई डाइपोल है ना, कि ये जस्ट आपने कोई डाइपोल ले लिया, तो पहले मैं इसका डाइपोल मोमेंट पी, ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे कोई माइनस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज होगा, और दोनों के बीच का सेपरेशन हम ले लेंगे आपका 2a, 2a कैलकुलेशन की वजह से लेते हैं, a भी ले सकते थे, और इसका डाइपोल मोमेंट p है ना, डाइपोल मोमेंट राइटवर्ड होगा, इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है, p। तो आपको ये निकालना होता है कि इस डाइपोल मोमेंट के अलोंग एक पॉइंट अगर हम ले लें है ना, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, दिस इज नोन एज ए एक्सियल पॉइंट। और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं है ना, तो यहां पे कहीं पे, तो इसको हम बोलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट है ना। तो एक आपका पॉइंट हो गया एक्सियल, दूसरा इक्विटोरियल, तो दोनों में निकालना है आपको कि भाई एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और इक्विटोरियल में कितनी होगी। बस एक चीज आपको यहां पे एक्स्ट्रा डिफाइन करनी पड़ेगी, दैट इज योर डिस्टेंस कितनी है उस पॉइंट्स की, जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। ये सेपरेशन तो 2a हो गया, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कोई ले लो r, r तो कोई भी जनरल डिस्टेंस है, इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है r। तो एक जेल पॉइंट पे निकालना एकदम आसान है, कि अगर मैं सबसे पहले निकालूं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट है ना, कि एक्सियल पॉइंट पे फील्ड या फील्ड की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट है ना। तो एक्सियल पॉइंट पे हम फील्ड निकाल लेंगे, इस पॉजिटिव क्यू की वजह से फील्ड होगा, यहाँ पे निगेटिव की वजह से भी होगा, पॉजिटिव की वजह से राइटवर्ड होगा है ना, सपोज आपका ये ई वन है, और निगेटिव की वजह से लेफ्टवर्ड होगा, ये ई टू है ना। तो जो नेट फील्ड होगी इन दोनों को माइनस करके तो आ जाएगा, तो एक्सियल पॉइंट पे जो नेट फील्ड होती है इसको अगर हम लिखें एक्सियल पॉइंट पे नेट फील्ड, तो इसको कई बार हम सब्सक्रिप्शन में आर लगा लेते हैं कि एक्सियल पॉइंट पे कितनी फील्ड होगी, तो जो एक्सियल पॉइंट पे इस पे फील्ड आ जाएगी वो जस्ट आपका ई वन माइनस ई टू आ जाएगी, कि पॉजिटिव और नेगेटिव की फील्ड को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर ई आर निकालना चाहूँ कि एक्सियल पॉइंट पे कितनी होगी, तो जो ई वन की वैल्यू होगी है ना, आपको तो अब आपको ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, ये वाला, तो ये डिस्टेंस तो आपका r माइनस a हो जाएगा, क्योंकि आपने सेंटर से डिस्टेंस लिया था। तो
तो ई आर की वैल्यू जो निकालोगे तो ई वन की वैल्यू आपकी आ जाएगी के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट चार्ज ही तो है। अब जब निगेटिव से लेंगे तो आर उसमें ए ऐड हो जाएगा, तो माइनस ऑफ आपका हो जाएगा के क्यू बाई आर प्लस ए स्क्वायर। रीफिल होगी नेट उस एक्सियल पॉइंट पे। थोड़ा सा एलसीएम लेके अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपका यहाँ पे ये आ जाएगा फोर के क्यू आर ए, है ना भाई, यहाँ पे आ जाएगा इसलिए आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। एलसीएम लोगे तो ये चीज आपकी आ जाएगी। तो यहाँ तक तो ठीक था भाई, दो पॉइंट चार्ज की वजह से आपने अलग अलग फील्ड निकाला, दोनों को माइनस कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बोला था ना कि डाइपोल में स्मॉल सेपरेशन होता है, तो स्मॉल तो वैसे उसके मीनिंगलेस है ना, स्मॉल का मतलब किसके रिस्पेक्ट में स्मॉल, तो यहाँ पे ये दिया होता है कि जो आर की वैल्यू है दिस इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द ए, तो आर स्क्वायर तो और भी बड़ा होगा, है ना, कि जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या होगी, लार्ज होगी। तो आर के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जो ये जो आर डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में ये सेपरेशन बहुत छोटा है, तो ये जब हम नेग्लेक्शन अप्लाई करेंगे तो ई आर की वैल्यू ये आ जाएगी, है ना, ई आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी फोर के क्यू आर ए बाई नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ से ए स्क्वायर को, तो यहाँ पे जस्ट आर क्यूब आर का पावर फोर बच जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे आ गया टू के इंटू क्यू इंटू टू ए भाई, आपने लिख दिया आर क्यू, आर की पावर क्यूब आ जाएगी, है ना, क्योंकि एक आर की पावर तो कैंसिल हो जाएगी। अब क्यू इंटू टू ए क्या है, डाइपोल मोमेंट ही तो है, तो डाइपोल के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया टू के पी बाई आर क्यू, है ना, ये क्या आ गया बेसिकली आपका टू के पी अपॉन आर क्यू, है ना। तो ये आ गया कि एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होगी, है ना, ये आपकी ई आर स्क्वायर अगर हम लिखें तो ये आपका हो जाएगा टू के पी बाई आर, है ना। मतलब फील्ड आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से जो वेरी करती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल डिस्टेंस के साथ जो रिलेशन आता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब आ रहा है भाई, सिंगल चार्ज की वजह से आर स्क्वायर होता है, लेकिन जब डाइपोल बना देंगे तो वन बाई आर क्यूब से वेरी करेगा। ये जो वेरिएशन होता है वो किससे होता है, इसलिए आपके वन बाई आर क्यूब से। तो ये जस्ट हमने निकाला एक्सियल पॉइंट पे फील्ड निकाल ली, है ना, और एक्सियल पॉइंट पे आपने क्या निकाला बेसिकली आपका फील्ड कैलकुलेट कर लिया, है ना। सर पहले क्वेश्चंस डाइपोल कंसीडर कर रहे थे क्या चीज, हाँ पहले कंसेप्ट में हम डाइपोल मोमेंट निकाल रहे थे, अब हम डाइपोल की वजह से फील्ड निकाल रहे हैं, फील्ड एंड पोटेंशियल। पहले जो टॉपिक था ना, हम डाइपोल मोमेंट निकाल रहे थे सिस्टम ऑफ चार्ज का, सेकंड में हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, कि भाई कोई भी अगर डाइपोल होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कितना होगा। तो ये डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है कि एक्सियल क्या चीज, बोलो बेटा। सर इसमें डायरेक्शन तो आई कैप भी होगा ना, हाँ डायरेक्शन तो राइटवर्ड ही होगी। डायरेक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, नेट डायरेक्शन आपकी डायपोल मोमेंट के अलोंग होती है, है ना, कि जो नेट डायरेक्शन होगी ना वो डायपोल मोमेंट के अलोंग होती है। मैं अभी वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा ना इसे, तो आपको समझ आ जाएगा, है ना, कि जो नेट डायरेक्शन होती है वो डायपोल मोमेंट के अलोंग ही होती है, है ना। तो ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, एग्जाम में आपके आता है, अदरवाइज तो मेरे लिए आसान काम था, मैं एक मेन फॉर्मूला ड्राइव कर देता उसके सब केसेस आ जाते, लेकिन ये स्पेशली। सर मैं ना कहीं पे पढ़ रहा था कि जो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका एक्चुअली हम क्यों सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम नहीं कर सकते मास को, सर तो उसमें कहा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इसलिए ले सकते वहां पे का, अगर डायरेक्टली होता तो ले सकते थे। बिल्कुल 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 सही बात, ऐसा क्यों हुआ सर? वो तो लीनियर होता है ना बेटा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ही सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट आता है। अगर वेरिएशन वन बाई एक्स से होता है ना तो भी हम उसको लेते हैं सेंटर ऑफ चार्ज को, वो डेरिवेशंस में आ जाते हैं आपके, है ना, डेरिवेशंस के हिसाब से आते हैं, बताऊंगा उसे आपको, जैसे हम इसको पढ़ लेंगे गेट टू नो ये आपका कैसे। तो ये आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये आपका कैसे, है ना। तो इसी में मैं जस्ट इसको अगर समराइज करूँ तो मैं जस्ट इसको ऐसा बोल सकता हूँ, इस पूरे चीज को अगर मैं समराइज करूं तो जस्ट मैं इसको
एक्सियल पॉइंट पे जस्ट हम फील्ड ऐसे निकाल सकते हैं कि ये आपका अगर कोई डाइपोल है ना, तो डाइपोल के एक्सिस के अलोंग किसी आर डिस्टेंस पे फील्ड जो होगी वो डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर है उसके अलोंग हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में नेट फील्ड हो जाएगी। और इस नेट फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अभी आपने बोला है 2kp/r³ होगा, अगर ये डिस्टेंस हम आर ले लें तो, है ना, इसी को हम एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो इसी को कई बार हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो हम ये लिख लेते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मैं लिख दूंगा इसे 2kp/r³, है ना, क्योंकि आपको पता है जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वही फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे एक वेक्टर साइन पी के ऊपर लगा देते हैं, तो जो पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी एक्सियल पॉइंट पे वही किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये ER से लिख लो आप इसे, है ना। तो ये तो आपने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम निकालते हैं इसमें पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट क्या होगा, तो भाई ये तो आपने निकाला फील्ड कितनी होगी, ये पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट कितना हो जाएगा, तो भी निकाल लेंगे कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव को जस्ट माइनस कर देना आपने, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल आपका हो जाएगा KQ/r-a, नेगेटिव चार्ज की वजह से हो जाएगा KQ/r+a। इसमें तो सिंपल सम होता है, ये हम किसी आर पे निकाल रहे हैं पोटेंशियल, है ना, ये इसको ऐसे लिख दो आप, वी आर मत लिखो, एक्सियल पॉइंट पे हम पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर दो आप। तो जैसे हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 2KQ/r²-a², अगेन आर स्क्वायर की वैल्यू जो है स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बहुत लार्ज है तो नेगलेक्ट कर देंगे, तो अल्टीमेटली पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी KP/r² उस पॉइंट पे, तो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल KP/r² हो जाएगा, है ना। इस चीज़ को हम Q(2a) को पी ले लेंगे, और ये तो स्केलर क्वांटिटी है तो उसकी कोई डायरेक्शन की तो हम बातें नहीं करेंगे, है ना। तो ये मैंने निकाल लिया कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r³ एंड पोटेंशियल होता है KP/r², है ना, कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी KP/r². इसका बहुत अच्छा एक अप्रोच मैं बताऊंगा अभी आपको, ये तो जस्ट मैं एकदम NCERT के पर्पस के हिसाब से कर रहा हूँ, कि NCERT में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना होगा आपको, एक थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट में बताऊंगा आपको, है ना। तो ये आपका किस तरह से, है ना, तो ये एक्सियल पॉइंट पे आपने पोटेंशियल निकाल लिया, है ना, ऐसे ही आपका आ गया। हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल सेकेंड केस में एट इक्विटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट, भाई किसी इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कितना होगा, तो भी निकाल सकते हैं। इक्विटोरियल पॉइंट का मतलब जस्ट ये हो गया कि अगर कोई डायपोल है तो उससे किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, है ना, यहाँ पे आपको निकालना है फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, है ना, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका इक्विटोरियल पॉइंट। बेटा सब्ट्रैक्ट सिंपल सा मैग्नीट्यूड कर रहे हैं ना हम इसमें, डायरेक्शन जब डायग्राम में हम डायरेक्शन शो कर देते हैं ना तो फिर तो स्केलर एडिशन ही होता है ना, आप समझे मेरी बात, कि भाई ये बड़ा वैक्टर है और ये छोटा वैक्टर है, तो जब वैक्टर सेम डायरेक्शन में होता है या अपोजिट में होता है तो वैक्टर सम और वो सम तो सेम ही हो जाता है ना। जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उसका जो एलजेब्रा होता है वो सिंपल एलजेब्रा जैसे ही तो होता है, वो सारा वेक्टर वगैरह तब आएगा जब किसी एंगल पे हों, ये तो सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में प्लस हो जाते, अपोजिट में माइनस हो जाते, है ना, वो तो जब एंगल होता है तब उसकी हम बात करते हैं इस तरह से, है ना। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं, ये आपका गया इस तरह से, तो ये जस्ट आपने इसको डिफाइन किया, ये आपका गया। इक्विटोरियल पॉइंट पर निकालना है तो मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, तो वही चीज़ है कि यहाँ पर आपका एक निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू पी है ना, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा उससे पहले फील्ड आप निकाल लो यहाँ पे, पहले तो हम डायरेक्शन ले लेंगे ना, भाई नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड एंड पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, है ना, कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से भी इसको हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड की डायरेक्शन ऐसे अपोजिट हो जाएगी, है ना, इसको कुछ ई ले लो आप,
और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स हो जाएगी, ये भी ई हो जाएगा। और इस ई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका आ जाएगा के क्यू बाई है ना आर स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर, क्योंकि ये अगर आर डिस्टेंस है और ये ए है तो ये जो डिस्टेंस होगी वो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी, है ना। तो पॉइंट चार्ज की वजह से आपने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। और आपको बताया ई और ई का रिजल्टेंट, ई और ई का रिजल्टेंट जो इस डायरेक्शन में होगा रूट टू ई कॉस, वही रूट थ्री हो जाएगा, रूट टू ई हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा या टू ई कॉस सिक्सटी ले लेंगे। ई बच जाएगा ना बेटा, ई तो बच जाएगा ना भाई, ई और ई के बीच का जो एंगल होगा ना ये 120 डिग्री हो जाएगा ना, ये एंगल तो 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ई कॉस 60 और ई कॉस 60 दोनों क्या हो जाएंगे सम हो जाएंगे, तो ये 2 ई कॉस 60 हो जाएगा, है ना। तो वही मैंने यूज किया, रिजॉल्व कर दिया, वर्टिकल तो कैंसिल हो गया। तो जो नेट फील्ड होगी है ना कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड होता है इसको हम ई थीटा लिखते हैं, तो नेट फील्ड की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 ई कॉस 60, है ना। ये क्या हो जाएगा इसलिए आपका 2 ई कॉस 60, ई की वैल्यू पुट कर दो तो 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, है ना, इंटू कॉस 60 आपका हाफ आ गया, तो हाफ वाला टर्म तो कैंसिल ही हो गया, है ना। तो जो आपका ई थीटा की वैल्यू है वो आपकी आ गई, है ना, कि ई थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी इस तरह से आ गई, है ना। कोई गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम इसमें, चेक करो जरा। हाँ, 2e cos 60 तो होगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा इसलिए आपका 2e cos 60, है ना, कि भाई पॉजिटिव की वजह से भी आ जाएगा। ओ सॉरी, ओहो इतना इक्विलेटरल ट्रायंगल घुसा हुआ है ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ी है अरे, आप भी बता नहीं रहे हो, ये एंगल को इस इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ी लिया मैंने, है ना, इसमें आपको कोई अलग से एंगल लेना पड़ेगा ना, एक आप ये एंगल डिफाइन कर दोगे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस 60 नहीं बल्कि आपका 2e cos थीटा cos थीटा हो जाएगा, वो एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल लेने की आदत है ना, तो यहाँ पे 2e cos थीटा आ गया, इसलिए तो मैंने बोला रिजल्ट नहीं आ रहा, तो रिमूव कर दो इसको। तो जो e थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 2kq/r² + a², है ना, इंटू cos थीटा, cos थीटा आप इसमें निकाल लो, cos थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बेस ए है बाई हाइपोटेन्यूज आपका ही आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। तो यहां से ई थीटा की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं 2kqa बाई ये आपका आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2, है ना, कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 आ गया। अगेन हम नेग्लेक्ट कर देंगे कि आर स्क्वायर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द ए स्क्वायर, ये नेग्लेक्ट हो गया, और ये जो टर्म होगा ये डायपोल मोमेंट के टर्म्स में आ जाएगा, तो ई थीटा की वैल्यू आ गई, तो ई थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई केपी बाई आर क्यूब आ गया, है ना, नेग्लेक्ट करने के बाद केपी बाई क्या आ जाएगा इसलिए आपका आर क्यूब आ जाएगा। तो अगेन वेरिएशन देखो फील्ड का जो है वो अभी भी 1/r³ का ही है, लेकिन दो चीजें चेंज होंगी, एंगल बाई सेक्टर पे एक 2 आता था, अब इसमें 2 नहीं है, और दूसरा डायरेक्शन, अब डायरेक्शन देखो डायपोल के अलॉन्ग नहीं उसके अपोजिट है, नेट जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन इसके क्या है अपोजिट है, तो ई थीटा की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू डायपोल मोमेंट होती है, है ना, कि डायरेक्शन इज है ना अपोजिट टू पी, कि जो भी पी होगा उसके अपोजिट होगा, पी अगर राइटवर्ड है तो ई थीटा की वैल्यू लेफ्टवर्ड होगी। इसी चीज को अगर हम प्रॉपरली लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, ई थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी माइनस के पी वैक्टर बाई आर क्यू, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो, है ना, कि भाई ई थीटा की वैल्यू जो होगी डायरेक्शन अपोजिट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कि जो ई थीटा की वैल्यू होगी ये माइनस के पी वैक्टर बाई आर क्यू हो जाएगा, है ना, तो इसमें पी के अलॉन्ग होता है और एक टू होता है, इसमें टू हट जाता है और डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, ना, जो पे डेवलपमेंट होगा उसकी क्या होगी इक्वेटोरियल पे जो फील्ड होगी वो अपोजिट होगी, ये हम लिख सकते हैं ऐसे। तो ये सिंपल डेफिनेशंस हैं जो कि पॉइंट चार्ज से फील्ड निकालने के मेथड्स के ऊपर है, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। सर एक डायरेक्शन पे एक और बता, कौन सी चीज का डायरेक्शन बेटा,
हाँ देखो डायरेक्शन मैंने ये बोला ना कि भाई देखो डायपोल मोमेंट तो राइट वर्ड है और जो फील्ड है वो लेफ्ट वर्ड आ रही है. इस दोनों का कंपोनेंट जब हम ऐड करेंगे तो 2e cos थीटा लेफ्ट वर्ड आ जाएगा ना, तो मतलब डायरेक्शन जो होगी वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट होगी. डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, इसलिए मैंने एक माइनस साइन ले लिया यहाँ पे. जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पी वेक्टर के अपोजिट फील्ड होगा, है ना, कि पी वेक्टर के कैसे हो जाएगा, इसलिए आपकी अपोजिट फील्ड है ना, तो आपका इस तरह से कि पी वेक्टर के अपोजिट फील्ड आ जाएगी. तो जब एक्सियल एंड इक्वेटोरियल अलग अलग पूछ रहा है तो ऐसे ड्राइव करना है, है ना, किसी तरह से उसको हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, मतलब पूरी. और आगे आप पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल तो इस केस में जीरो हो जाएगा, इसको तो सोचना ही नहीं आपको, है ना, कि पोटेंशियल जो होगा वो तो जीरो हो जाएगा अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकाल लिया. अगर इस इक्विटोरियल पॉइंट पे मैं बात करूं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है ना, जितना पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतने नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो पोटेंशियल जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है ना, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है एक्सियल पॉइंट पे और पोटेंशियल भी होता है ना, लेकिन इक्विटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी, है ना, कि इक्विटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. तो ये हमने एक्सियल एंड इक्विटोरियल पॉइंट पे बात की, मतलब जो चीज हमने पढ़ी अभी जस्ट यही पढ़ा हमने अभी, है ना, कि मैंने जस्ट आपसे ये बोला इसको एज ए फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, है ना भाई. यहाँ पे है ना कि जस्ट मैंने आपसे ये बोला है कि कोई भी अगर डायपोल रखा हुआ है ऐसे, है ना, कि ये आपका कोई डायपोल रखा हुआ है तो डायपोल के है ना, कि इस तरह से अगर आपने कोई डायपोल रख दिया तो डायपोल अपने सराउंडिंग में फील्ड जनरेट करेगा. तो अगर मैं इसके एक्सियल पॉइंट पे फील्ड निकालूं आर डिस्टेंस पे, इसकी वैल्यू डायपोल मोमेंट के अलोंग ही होगी और ये हो जाएगा 2kp/r. और इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल निकालें, ये तो फील्ड हो गया, इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल निकालें तो kp/r² हो जाएगा, है ना. ऐसे अगर मैं इक्विटोरियल पॉइंट की बात करूं, है ना, तो इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, है ना, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन राइटवर्ड है तो उसके जस्ट एंटी पैरेलल. और इस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो kp/r³ हो जाएगा, है ना, और पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होता है, जीरो होता है ना. तो जस्ट ये चार फॉर्मूले, दिस इज द एक्सियल एंड इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. ये एक अप्रोच है जो कि अलग अलग जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना है आपको, लेकिन एक और थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है वो भी मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, आपने कर लिया. अब थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच पे हम आ जाते हैं. आई जस्ट इसको मैं हटा, ये तो जस्ट मैंने फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए आपसे बोला है, ये फॉर्मूला होता है. अब एक थोड़े से डिफरेंट है, ये एक डेरिवेशन भी है जो कि एनसीईआरटी में आती है ना, कि किसी भी जनरल पॉइंट पे हम कैसे निकालेंगे. भाई अभी तो क्या था कि पोटेंशियल था वो एक्सियल एंड इक्विटोरियल पॉइंट पे था. अब यहाँ पर आता है डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल. पहले डेराइव करते हैं हम इसमें पोटेंशियल एट पोलर कोऑर्डिनेट,
पोलर कोऑर्डिनेट है ना आर थीटा ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से किसी आर थीटा पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब हो जाएगा जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट था, इसमें एंगल और डिस्टेंस के टर्म्स में लिखते हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट का जस्ट मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे सपोज आपका कोई डाइपोल है पी है ना, तो इसके सेंटर से आपको जो डाइपोल मोमेंट निकालनी है ना, ये यहाँ से किसी आर डिस्टेंस पे यहाँ पे निकालनी है बीच में कहीं पे, है ना। कि अब तक तो हम एक्सियल एंड इक्विटोरियल पॉइंट की बात कर रहे थे, अब बीच में बात करेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस आर हो जाएगी और ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये डाइपोल मोमेंट से आर वेक्टर का एंगल कितना है, एक्जैक्टली आपका थीटा है। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा मुझे ये निकालना है। तो इसका बहुत अच्छा डेरिवेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एकदम आप ये डेरिवेशन एनसीईआरटी के अप्रोच से एग्जाम में करना है ना, बहुत ज़्यादा मार्क्स की आती है इसलिए आप उसको डेविएट नहीं कर सकते है ना। बाद में मैं थोड़ा सा इसको इसी से बाकी चीज़ें भी डिफाइन करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको निकालना है। तो इसमें कॉन्सेप्ट वही होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी उसी पॉइंट की है ना, कि पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी कम हो जाएगी है ना, कि पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस आपकी कम हो गई है ना। इस तरह से अगर हम पॉजिटिव चार्ज से लिखें तो इसको मैंने आर वन ले लिया, इस पॉजिटिव से इसके डिस्टेंस आपकी आर वन है और नेगेटिव से इसके डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ये डिस्टेंस मैंने ले लिया बेसिकली आपका आर टू, और सेंटर लाइन से डिस्टेंस उसकी आर है उस पर्टिकुलर पी पॉइंट की है ना। तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं सिंपल लिख लूँगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल के क्यू बाई आर वन माइनस के क्यू बाई आर टू हो जाएगा। पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, दोनों को माइनस कर देंगे तो अल्टीमेटली यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू ही आ जाएगी भाई, के क्यू इंटू आपका आ जाएगा 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर है ना। अब ये आर वन आर टू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले मैं आर वन निकालता हूं, तो आप थोड़ा ध्यान दो, ये डिस्टेंस आपकी ए है ना, अगर पूरा डिस्टेंस आप टू ए लेते हो तो ये डिस्टेंस तो ए है, तो ये यहां से मैं इस जगह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा यहां पे है ना। तो अगर ये a है तो ये वाले डिस्टेंस जो होगी ये a cos थीटा हो जाएगी है ना, और ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी a sin थीटा हो जाएगी। तो अगर मैं यहां से r1 निकालूं इस ट्रायंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो जो r1 की वैल्यू होगी r1 स्क्वायर ये आपका आ जाएगा r माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर। होप यू अंडरस्टैंड, इसमें कुछ सोचने वाली बातें नहीं है कि भाई अगर ये cos थीटा है तो ये r माइनस ए cos थीटा हो जाएगा ना, और ये r sin ए sin थीटा है, तो दोनों का रिजल्टेंट ही तो हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहाँ से r1 की वैल्यू आ गई, तो इस r1 को वो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से r1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, कि r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए आर cos थीटा, ये r1 की वैल्यू आ जाएगी है ना, कि जो R1 की वैल्यू होगी वो बेसिकली आपकी आ जाएगी। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। सर ये A sin थीटा नहीं होगा, कौन सा, नहीं यार इसको ओपन करोगे ना, थोड़ा करके तो देखो, कैलकुलेशन करके देखो। नहीं सर, प्लस R sin थीटा लिखा बेटा, वो फिर ट्रिग्नोमेट्री भी तो यूज करोगे, R स्क्वायर कॉमन निकल के sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा ना। सॉरी, ए साइन थीटा है, ओह ये गड़बड़ है, दिस इज ए साइन थीटा, इसलिए गड़बड़ हो गई है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ए साइन थीटा है ना, मैंने गलत लिख दिया था साइन थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, तो सिर्फ ए स्क्वायर बच जाएगा। तो ये आपका कैसे, तो आर वन स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई है ना, कि ये जस्ट आपने क्या निकाल लिया, आर वन स्क्वायर की वैल्यू। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, पूरे से आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो वन प्लस आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2a cos theta upon r। ये एनसीईआरटी की डेरिवेशन है, तो ऐसी करनी पड़ेगी आपको। और अब आपको पता है कि जो a स्क्वायर और r स्क्वायर वाला टर्म होगा ये नेग्लिजिबल होगा, इसको नेग्लेक्ट करना है, उसका रीजन वही है
ए स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन एज कम्पेयर टू द आर स्क्वायर, है ना, तो बाकी के रिस्पेक्ट में ये टर्म क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। यहाँ से आर वन स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई आर स्क्वायर इंटू वन माइनस टू ए कॉस थीटा बाई आर, है ना, लेकिन आपको जो निकालना था वो तो वन बाई आर वन निकालना है ना, तो यहाँ से हम वन बाई आर वन स्क्वायर निकाल लेते हैं, है ना, तो वन बाई आर वन की वैल्यू निकाल लो सीधे, ये हो जाएगा वन बाई आर इंटू वन डिवाइडेड बाई वन माइनस टू ए कॉस थीटा बाई आर की पावर हाफ। डेरिवेशंस के मेथड हैं, है ना, कि भाई आपने इसको रेसिप्रोकल ले लिया और अंडर रूट कर दिया। अब ये हाफ को ऊपर लाके बाइनली एक्सपेंड कर दोगे, आप इसको ऊपर ले जाओगे और बाइनली क्या कर दोगे, एक्सपेंड कर दोगे, तो अल्टीमेटली आपका ये आ जाएगा कि वन बाई आर इंटू वन प्लस ए कॉस थीटा बाई आर, ये अल्टीमेटली आपकी चीज आ गई, है ना, कि इसको अगर हम बाइनली एक्सपेंड कर देंगे कि पावर हाफ था तो ये आपका आ जाएगा वन बाई आर वन की वैल्यू। तो यही आपको निकालना था कि भाई वन बाई आर वन की वैल्यू हो जाएगी वन बाई आर वन प्लस, है ना, ये पावर हाफ है, इसी को सिंप्लीफाई किया मैंने, तो ये हो जाएगा वन बाई आर वन प्लस ए कॉस थीटा बाई आर। तो जैसे आपने वन बाई आर वन निकाला है वैसे मैं वन बाई आर टू भी निकाल सकता हूँ सिमिलर वे से, बस यहाँ पे आर प्लस हो जाएगा, है ना, कि जैसे आर टू आप निकालोगे तो उसमें आर से ये वाला जो टर्म ए कॉस थीटा होगा वो ऐड हो जाएगा, है ना, क्या कॉस थीटा में वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसलिए आपका ऐड हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा जब आप वन बाई आर टू निकालोगे तो जस्ट यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई आर इंटू वन माइनस ए कॉस थीटा अपॉन आर, ये आपका गया, है ना। तो एक अप्रोच होती है कि भाई पोटेंशियल के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज किया पी पॉइंट पे, है ना, कि इस पॉइंट पे आपको निकालना है पोटेंशियल कितना होगा, तो आपने वन बाई आर वन एंड वन बाई आर टू निकाल लिया। अब फिर हम इस चीज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना, किसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए आपका सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इससे आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, है ना, यू विल गेट दिस फॉर्मूला, है ना, क्योंकि मैं एकदम एनसीईआरटी के अप्रोच लेके चल रहा हूँ, ताकि फिर आप दो तरह से डेरिवेशन करना नहीं सीखो, है ना, नहीं तो कई बार कन्फ्यूजन होती है उसमें, है ना, तो इस तरह से आपका आ गया सर। एक बार पिछली बार अभी मैं शो कर रहा हूँ, अभी मैं शो कर रहा हूँ, कंप्लीट करके मैं शो करूँगा आपको मैं, है ना। तो जैसे उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे हम, है ना, तो वी स्क्वल टू जो हो जाएगा, आपने बोला भाई के क्यू इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू होता है, तो जब लास्ट फेज से वन बाई आर वन और आर टू की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा के क्यू इंटू कॉस थीटा, के क्यू टू के क्यू ए आ जाएगा, है ना, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट करोगे विल गेट दिस आंसर, है ना, यहाँ पे आ जाएगा टू के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला आ गया, है ना, क्यू टू क्यू इंटू ए पी हो जाएगा, ये हो जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला, किसी भी थीटा एंगल और आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, तो इसका डेरिवेशन आना चाहिए, है ना, इसी का डेरिवेशन आपको आना चाहिए। लास्ट स्टेप कैसे हुआ ये वाला, ये टू के क्यू ए कैसे आया ये बेटा, वन बाई आर वन और वन बाई आर टू की वैल्यू पुट कर दी ना हमने, मैं लास्ट शो करता हूँ तुम्हें कि भाई यहाँ पे आपका पोटेंशियल यही तो था, तो यहाँ से आपने वन यहाँ पुट कर दो और यहाँ पे वन बाई आर टू पुट कर दो, आप चेक करके देखो इसको करके क्या आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो विल गेट दिस आंसर। सर ये वन बाय आर टू यस सर वही आ रहा, कैसे निकाला, क्या चीज, वन बाय आर टू, वन बाय आर टू सिमिलर, इसी में साइन चेंज कर दिया हमने, जैसे वन बाय आर वन में, है ना, आपका यहाँ पे प्लस आ गया था, है ना, तो इसमें माइनस आ जाएगा जब आर टू निकालेंगे, क्योंकि आर टू जब आप निकालोगे ना तो इसको ऐसे एक्सटेंड कर दोगे आगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, तो अगेन हो जाएगा कि ये डिस्टेंस जो होगी वो ए कॉस थीटा हो जाएगी और ये ए साइन थीटा हो जाएगी, तो अब आर प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा, जो यहाँ माइनस हो रहा था ना यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस साइन आएगा तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, हर जगह प्लस जाता जाएगा, और जब भी यहाँ पे प्लस आएगा और बाइनली एक्सपेंड करोगे आप यहाँ से तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि पावर तो माइनस हाफ है ना,
वाइनल एक्सपेंशन के बाद वहां माइनस आ जाएगा, मैंने सिमिलर वे में लिख दिया। और इसी वैल्यूज को जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/1m/r2 तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा जो आपको डिराइव करना था कि भाई किसी भी r थीटा पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू ये होती है कि अगर ये कोई डाइपोल है तो डाइपोल के सेंटर को अगर हम ऑरिजिन ले लें तो इससे किसी r थीटा पे पोटेंशियल की वैल्यू इतनी होती है ना, दिस इज द केपी कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। और सही भी है, अगर मुझे मान लो एक्सियल पॉइंट पे निकालना है तो मैं थीटा यहाँ पे पुट कर दूंगा 0 डिग्री, तो पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे आपका आ जाएगा KP/r2। अगर मुझे इक्वेटोरियल पे निकालना है तो मैं यहाँ पे थीटा 90 पुट कर दूंगा तो कॉस 90 होगा तो 0 हो जाएगा। तो किसी भी थीटा एंगल पे हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, है ना, नॉट नेसेसरी एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, कहीं भी जनरल फॉर्मला आपने ड्राइव कर लिया। इसी को थोड़ा सा अगर वैक्टर फॉर्म में मैं लिखूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखना, इसी को जब मैं अगर थोड़ा सा वैक्टर फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसको कई बार ऐसा लिख लेता हूँ कि v इक्वल टू हो जाएगा के पी वैक्टर डॉट ऑफ r कैप बाई r स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट से लिख सकते हैं इसे, जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो किससे लिख सकते हैं, बेसिकली आपका डॉट प्रोडक्ट से। अभी मैं शो करता हूँ बेटा, मैंने इसमें इसको हम डॉट प्रोडक्ट से शो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो पी कॉस थीटा ही तो आ जाएगा, है ना, जिसमें जो r कैप है दिस इज द यूनिट वैक्टर, यूनिट वेक्टर है। तो जब मैं p एंड यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ p आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r आ जाएगा इनटू cos थीटा आ जाएगा, है ना, कि p एंड r के बीच का एंगल जो है वो थीटा ही तो है, तो यहाँ से p cos थीटा आ जाएगा। तो बात वही है कि इस p cos थीटा को हमने इससे रिप्लेस कर दिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला, है ना, तो ये भी ध्यान रखना, कई बार यूज होता है ये भी, है ना, वैसे तो kp cos थीटा / r स्क्वायर होता है। तो थोड़ी सी एक अप्रोच थी आपकी, सर बताओ सर, डाइपोल के हम अगर सीधा दो कंपोनेंट बना देते पी कॉस थीटा और वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर लेते हैं, क्या सर वैसे भी कर लेते हैं, कंपोनेंट से भी निकाल लेते हैं, है ना, लेकिन ये डेरिवेशन आपको जानना है, जब ये डिराइव करने आएगा ना तो हम कंपोनेंट वाला नहीं कर सकते थे, आपको ऐसे ड्राइव करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया आपको, है ना, इसलिए कंपोनेंट वाले मेथड में क्या फ्लॉ है? नहीं मतलब वो देखो एनसीईआरटी के हिसाब से वो आंसर सही नहीं है, मतलब उसको उस तरह से नहीं करना है, जब एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना स्कूल में या बोर्ड में तो उसको एकदम एनसीईआरटी का डेरिवेशन ही वहां पर रिप्लेस करते हैं, yes. इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया जानबूझ के, बस तो रिजॉल्व करके भी कर सकते थे, क्योंकि अभी तो मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ तो पोटेंशियल को तो रिजॉल्व से कोई मतलब ही नहीं है ना, फील्ड निकालने के लिए हम रिजॉल्व यूज कर सकते थे, पोटेंशियल तो ऐसे ही होगा ट्रेन, है ना, ये रिजॉल्व वाला मेथड है दैट इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो मैं फील्ड की बातें नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैंने निकाला उस r थीटा पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, ये आप पा गए, है ना, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एट पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा ड्यू टू डाइपोल, है ना, ये ध्यान देना इसमें, ये थोड़ा सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। जस्ट आपने इसको डिराइव कर लिया, है ना, अब देखो इससे पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया ना तो हम फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, है ना, कि अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, है ना, किसी भी जनरल पोलर कोऑर्डिनेट में, तो इससे वो बड़ा एक अच्छी अप्रोच है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको मैं कि उस अप्रोच से हम इसको कैसे करेंगे,
है ना, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये आप ध्यान रखना कि कैसे मैंने एक्सपेंड किया उसे, उसी को लिखा था मैंने। अब ये आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अभी तक मैं पोटेंशियल की बात कर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप रिजॉल्व करके भी कर सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, लेकिन ये मुझे काफी अच्छा लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि भाई पोटेंशियल को मेथड थोड़ा हार्ड कोर रहता था। हाँ सर, मेथड जो कंपोनेंट वाले से ज्यादा हार्ड कोर है कंपैरेटिवली। हाँ वो तो हार्ड है ही, लेकिन करना ऐसे ही पड़ेगा आपको बोर्ड के एग्जाम में, है ना। तो जो yes, ये जो मैं बताऊंगा ये तो आसान है, इसमें तो मुश्किल है ही नहीं कुछ भी। अब जैसे आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जो होता है वो माइनस डी वी बाई डी आर ही तो होता है, कि किसी भी पॉइंट में अगर पोटेंशियल पता है तो डिफरेंशिएट करके फील्ड आ जाएगा, है ना। कि किसी भी पॉइंट में अगर आपको पोटेंशियल पता है तो हम बेसिकली ये डिफरेंशिएट करके फील्ड निकाल लेंगे। तो जैसे ये आपका कोई डाइपोल है, मुझे निकालना है इसके सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पे, है ना, इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, है ना। तो मैं अगर इस तरह से इस आर के अलोंग दो लाइन ले लूँ, दो पॉइंट ले लूँ, और मैं बोलूँ यहाँ आर था, आर से आप यहाँ पे डी आर पे आगे चले गए, तो पोटेंशियल में चेंज हो गया ना भाई। इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, है ना, तो जो पोटेंशियल में होगा वो चेंज हो जाएगा, और पोटेंशियल में चेंज बाय डी आर ही तो फील्ड होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का निगेटिव ही तो फील्ड होता है, क्योंकि आपको ध्यान दो अभी जो आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा है इसमें दो वेरिएबल्स हैं, आपने लिखा के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यू, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, इसमें आर भी वेरिएबल है थीटा भी वेरिएबल है। तो पहले मैं आर को वेरी कर रहा हूँ कि मैंने एक पॉइंट यहाँ वन पे ले लिया, एक पॉइंट टू पे ले लिया, और डी आर से जब यहाँ चले गए तो पोटेंशियल में कुछ चेंज होगा, और उसी पोटेंशियल का ग्रेडियंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ई आर आ जाएगा, है ना। आर के लॉन्ग फील्ड को हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली आपका ई आर। तो अगर मुझे ई आर निकालना है तो मैं सिंपल सा पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा, नहीं तो ई आर आ जाएगा, है ना, कि जो ई आर की वैल्यू होगी वो माइनस डेल्टा वी बाई क्या हो जाएगा, बेसिकली आपकी डेल्टा आर हो जाएगी। इसको डिफ्रेंशिएट करके हम क्या निकाल सकते हैं, बेसिकली आपका फील्ड, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करके वी कैन कैलकुलेट द फील्ड, उसको लिखो जरा सा। हाँ, कि पहले तो आपको ई आर निकालना पड़ेगा कि भाई फील्ड की वैल्यू बेसिकली आपकी कितनी होगी इस पॉइंट पे, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो पोटेंशियल को। तो पार्शली इसलिए डिफरेंशिएट किया क्योंकि एंगल को कांस्टेंट रखना है, तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा वन बाई आर क्यूब का कितना आ जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर था यहाँ पे, वन बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई आर क्यूब आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा के पी माइनस वन बाई आर होता है नहीं, डिफरेंशिएशन वन बाई आर स्क्वायर का, अच्छा सॉरी इंटीग्रल ले रहा था, हाँ तो माइनस वन बाई आर क्यूब हो जाएगा ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब आ जाएगा, है ना, ट्वाइस यहाँ पे आ गया। तो ये ई आर की वैल्यू आ गई किसी भी जनरल पॉइंट में, दैट इज कॉस थीटा बाई आर क्यूब आ गया। बेटा माइक म्यूट करो, है ना, ये आपका गया। तो ER की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2kp cos थीटा बाय r क्यूब हो जाएगी, ये इसका फॉर्मूला है। अगर मैं इसको डायरेक्शन के साथ लिखना चाहूँ तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल, वही मैंने बोला कि जब हम 1 से 2 पॉइंट पे जाएंगे dr तो पोटेंशियल में चेंज डेल्टा भी हो जाएगा, तो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर ही तो होता है फील्ड की वैल्यू ER, है ना। तो जो ई आर की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी जो आर वेक्टर की है, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ई आर वेक्टर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2kp, है ना, कॉस थीटा बाई आर क्यूब इंटू आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग ई आर की क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो जैसे आपका ये फॉर्मूला आ गया ना, तो इससे आसानी होगी आपको।
इसको जब आप आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका ये वाला कंपोनेंट फील्ड का आ जाएगा, है ना, कि फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा जो आर के अलोंग है, है ना, आर के अलोंग फील्ड का कंपोनेंट आ गया। लेकिन आपको पता है इसमें वेरिएबल तो थीटा भी है, तो पोटेंशियल में चेंज जो होगा वो थीटा में चेंज होने से भी हो सकता है, तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, पहले इसको लिख लो, है ना, इसी फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं डिफरेंशिएट करके। ठीक है, ये आपका गैस है। अब हम आ जाते हैं वही इक्विटोरियल जैसा एक पॉइंट लेते हैं, ये तो एक्सियल पॉइंट हो गया, एक इक्विटोरियल जैसा पॉइंट लेते हैं। तो इक्विटोरियल पॉइंट का मतलब जस्ट ऐसा हो जाएगा आपका, या मतलब एक थीटा में चेंज की वजह से लेते हैं, है ना, कि जो थीटा में चेंज होगा उसकी वजह से लेते हैं, कि उसकी वजह से बेसिकली आपकी फील्ड कितनी हो जाएगी, है ना, कि थीटा में जो चेंज होगा उसकी वजह से। अरे एक बार पीछे वाला पेज दिखा, अभी शो कर रहा हूँ बेटा, ये लिख लो आप ऐसे। तो जस्ट मैंने डिफरेंशिएट करके निकाल लिया। सर ये फील्ड अकेली एक्सियल पॉइंट की थी ना बस? हाँ मतलब ये आर के अलोंग है, एक्सियल पॉइंट उसको मत बोलो आप, जो आर की डायरेक्शन वाली फील्ड है, टोटल फील्ड नहीं है। अभी हम थीटा में भी चेंज करेंगे, अभी हम थीटा में चेंज करने की वैसे भी एक फील्ड निकालेंगे, वो भी यस सर, वो भी आ जाएगी आपकी, थीटा में चेंज होगा उसकी वजह से ही फील्ड आ जाएगी। तो जो थीटा में चेंज होगा उसकी वजह से जब आप फील्ड निकालोगे, है ना, इस तरह से हम ले लेंगे कि ये आपका कोई डायपोल था, है ना, कि ये आपका जस्ट आपका कोई डायपोल था और अब हम थीटा में चेंज कर रहे हैं। ओके लिख लो बस। अरे 1/r² का डिफरेंशिएशन माइनस आर कैसे? बेटा 1/r² को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, r माइनस 2 हो जाएगा ना, तो इसको जब r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2r माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, nxn माइनस 1, यस, तो ये यही तो आ जाएगा, माइनस 2 लिख दो यहाँ पे, 2 भी आ जाएगा, वो 2 मैंने यहाँ तो लिखा है वहाँ नहीं लिखा था, तो माइनस 2/r³ हो जाएगा, ये तो डिफरेंशिएट करके आएगा इसे। तो मैंने सीधे लिख दिया यहाँ पे, ई आर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस पहले भी था और माइनस एक बार और आया तो प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये जस्ट हमने किया। तो हम आ जाते हैं इस पे, जैसे कोई डायपोल है, आप डायपोल में आपने बोला कि आर पॉइंट पे आपको निकालना है, यहाँ पे एक और फील्ड भी होगी, क्योंकि वी में दो चीजें हैं, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर था, तो आर में चेंज वाली फील्ड आपने निकाल ली, अब इसमें थीटा भी तो चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये एंगल थीटा है, अगर मैं स्लाइटली एक कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, है ना, कि 0.12 जैसे मैंने लिया था वो अब मैं पॉइंट ले लूँ यहाँ पे, ये अगर आर है तो डी थीटा से इधर चले गए, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी आपको पता है, ये आपका आर डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब चेंज हो रहा है ये, तो उससे भी तो पोटेंशियल में चेंज हो रहा है ना, तो हम लिखेंगे एक फील्ड का कंपोनेंट ई थीटा इस डायरेक्शन में भी आ जाएगा, इसको हम लिख रहे हैं थीटा में चेंज होने की वजह से, वो आर में चेंज होने की वजह से था, ये थीटा में चेंज होने की वजह से आ रहा है, तो ई थीटा को प्रॉपरली अगर हम लिखें तो मैं लिख दूंगा, ये भी आपका वही हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी बाई ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो जाएगा आर डी थीटा। होप यू अंडरस्टैंड, भाई ग्रेडियंट ही तो होता है, तो 1 से 2 पे गए तो डिस्टेंस आर डी थीटा हो गया, और जो पोटेंशियल में चेंज हो गया इस पॉइंट पे वो डेल्टा वी हो गया, तो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जो होता है वही क्या होती है, बेसिकली आपकी फील्ड होती है, तो एक इस डायरेक्शन में भी फील्ड आ जाएगी, जैसे रेडियल थी वैसे आपकी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी आ जाएगी, इसको भी निकाल सकते हैं आप, इसको आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 1/r² तो कॉन्स्टेंट है, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस के पी साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर,
यहाँ पे जब हम पुट करेंगे अगेन पॉजिटिव आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा kp साइन थीटा अपॉन आर क्यू, है ना। तो मतलब ये हो गया कि जब भी कोई डाइपोल इस तरह से होगा p, तो अगर मैं उसे कोई भी जनरल पॉइंट ले लूं, है ना, इसमें फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो er होगा जो कि r में चेंज होने की वजह से हो रहा है, और एक आपका हो जाएगा ए थीटा, है ना। जो er की वैल्यू होगी वो अभी आपने निकाल लिया, er आपका आ जाएगा 2kp, है ना, इंटू कॉस थीटा अपॉन आर क्यू, और जो ई थीटा होगा उसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो यहां से निकाल लिया हमने, kp साइन थीटा बाय आर क्यू। तो जो रिजल्टेंट फील्ड होगी कुछ इस तरह से हो जाएगी, इस तरफ इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा ना। तो जो रिजल्टेंट फील्ड होगी, अगर हम यहां पे निकालना चाहें कि व्हाट इज द रिजल्टेंट फील्ड, है ना, कि रिजल्टेंट फील्ड कितनी होगी, तो रिजल्टेंट फील्ड आपका हो जाएगा जस्ट आपका अंडर रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, है ना। और ये रिजल्टेंट फील्ड जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये रिजल्टेंट फील्ड का फॉर्मूला ही आ जाएगा, के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे ना तो विल गेट दिस फॉर्मूला, है ना, कि के पी बाय आर क्यूब इंटू वन प्लस कॉस का थीटा बाय आ जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट पे आ जाएगा, और ये जो रिजल्टेंट फील्ड होगी ये अगर ई आर से कोई फाइव एंगल बना रहा है तो इसका हम टेन भी लिख सकते हैं, टेन फाइव की वैल्यू आपकी हो जाएगी ई थीटा अपॉन ई आर, और ये जो होगा इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा बाई टू आ जाएगा। तो ये फील्ड का मैग्नीट्यूड और ये फील्ड की डायरेक्शन होगी, है ना। तो ये मेन फॉर्मूला आ गया, बाकी सारी जो चीज़ें थी वो इसी को डिराइव करने के लिए हमने किया था, है ना, कि जो मेन फॉर्मूला होगा वो आपका इस तरह से आ गया, बाकी जो भी चीज़ थी इसी को ड्राइव करने के लिए हमने किया था, कि भाई किसी भी थीटा एंगल पे फील्ड का मैग्नीट्यूड ये होगा और डायरेक्शन ये हो जाएगी, है ना, और उस पॉइंट पे जो फिर पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू ये हो जाएगी केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बस तीन ही फॉर्मूले हैं ये, बाकी सारी चीजें इसकी डेरिवेशन के लिए हम कर लेते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, तो ये अप्रोच मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको बता दिया भाई, अदरवाइज तो रिजॉल्व करके जैसा आप बोल रहे थे वो तो है ही बुक्स में दिया हुआ कहीं, लेकिन ये मुझे ठीक लगा। एक फील्ड होगी आर के अलाउ जो आर में चेंज होने की वजह से हो रहा है, एक थीटा में चेंज होने की वजह से हो रहा है, और नेट फील्ड उन दोनों का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना। इसी फॉर्मूले को हम एक्सियल के लिए अप्लाई कर देंगे, मान लो मैंने एक्सियल पॉइंट ले लिया, तो एक्सियल पॉइंट पे थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री हो जाएगी, तो फील्ड का जो फॉर्मूला आ जाएगा ये अगर जीरो हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली आपका कितना आ जाएगा, ये कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या मैं, ठीक से चेक करो जरा, रिजल्टेंट ये नहीं आ रहा है क्या, यहाँ पे थ्री होता है सर, वन प्लस थ्री कॉस थीटा आता है, वन प्लस थ्री कॉस थीटा आता है, देख देख लेता हूँ रिजल्टेंट ठीक से कैलकुलेट कर लीजिएगा सर, है इन दोनों का रिजल्टेंट का अल्टीमेटली, हाँ वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसको स्क्वायर करके करोगे तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा, तो यहाँ पे थीटा जीरो पुट करेंगे तो टू के पी बाई आर स्क्वायर आर क्यूब आ जाएगा, तो जानते ही हम, है ना। और जब हम इक्वेटोरियल लेंगे रूट की टर्म वन हो जाएगी, है ना, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, फील्ड की वैल्यू केपी बाई आर क्यूब हो जाएगी, है ना। तो हमने इस तरह से डिफाइन कर लिया, तो ये आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इट। सर तो एंगुलर चेंज हो मतलब v के उसमें डिस्प्लेसमेंट में, तो फिर डेल v बाय डेल थीटा ले लेते हैं। हां डेल v बाय डेल थीटा नहीं, एक r भी आएगा, लिया तो हमने डेल्टा v बाय डेल्टा r ही है अभी भी, और जो लेंथ ऑफ द आर्क है उसकी जगह पे आर डी थीटा पुट कर देंगे, तो लिया तो अभी मैंने उसी तरह से, है ना, डिस्टेंस के साथ ग्रेडियंट ही लिया है ना, yes. फिर निकालते हैं एंगुलर चेंजेस में, है ना। तो ये मेन फॉर्मूला आपके, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में थीटा चेंज हो रहा है जो आर डी थीटा के डायरेक्शन है उसी तरफ आ जाएगा, जिस डायरेक्शन में आर चेंज हो रहा था वो रेडियल ऐसा हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर ई थीटा हो जाएगा,
थीटा तो इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही चेंज होगा ना। और नेट रिजल्टेंट इस तरह से आ गया, और डायरेक्शन के लिए मैंने बोला ईआर से अगर नेट फील्ड का एंगल फाई है तो टेन फाई इज इक्वल टू ई थीटा बाई ईआर हो जाएगा, तो इसको इससे डिवाइड कर दो तो टेन थीटा बाई टू आ जाएगा। तो इस तरह से एक तो हम फंडामेंटल ये एक्सियल पॉइंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट कितना होगा इस मेथड से, सिंपल जो होता है एक्सियल पॉइंट पे जो निकालते हैं इसमें। दूसरा डेरिवेशन हो जाएगा इक्विटोरियल वाला, ये है ना, ये जो आपने निकाला ये वाला फॉर्मूला। और तीसरा वो पोटेंशियल वाला मेन जो फॉर्मूला था, है ना, कि मेन जो फॉर्मूला पोटेंशियल वाला था ये, इस डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, है ना। तो तीन ही डेरिवेशन है, बाकी इसका तो ये एप्लीकेशन ही है, इस पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से ही ये हमने अप्लाई कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें आ गई, है ना। तो थोड़ा सा फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ये आ जाएगा। तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली कि डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डाइपोल की वजह से सराउंडिंग में कितना होता है ना, कि सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, ये निकाल लिया हमने, है ना, कि सराउंडिंग में कितनी होती है। अब हम आते हैं एक थर्ड इसका टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इसका थियोरेटिकली, न्यूमेरिकल्स तो खैर और भी होंगे। जो थर्ड टॉपिक है वो ये है, डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, है ना, कि डायपोल को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा। तो पहला तो फील्ड डायपोल मोमेंट कैलकुलेशन का था, दूसरा फील्ड, थर्ड टॉपिक आपका ही आ जाएगा। अभी देता हूं, पहले इसको कर लो बेटा, फिर ब्रेक दूंगा मैं। पहला थर्ड में आ जाएगा डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड, है ना, कि किसी भी डाइपोल को अगर हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब यहां पे कोई यूनिफॉर्म फील्ड है इस तरह से, ब्रेक की बजाय ना मैं आपको 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा, वो ज्यादा अच्छा होता है, ब्रेक के बाद फिर बच्चों को इकट्ठा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आपका कोई यूनिफॉर्म फील्ड है ना एक्सटर्नल, इसका डायपोल से कोई मतलब नहीं, आपने इसमें कोई डायपोल प्लेस कर दिया इस तरह से, है ना, कि डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना है, बेसिकली आपका पी है। डायपोल का मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज होगा, वैसे तो हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड में आपने डायपोल को प्लेस कर दिया, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट केस में व्हाट इज द ऑन डायपोल, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन डायपोल, इस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा, है ना, इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म इन यूनिफॉर्म फील्ड। भाई यूनिफॉर्म फील्ड में इस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव पे फील्ड के अलॉन्ग फोर्स लगता है क्यू ई, और नेगेटिव पे फील्ड के अपोजिट लगता है, है ना। तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल हमेशा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म फील्ड में जीरो हो जाएगा, कि जितना राइटवर्ड फोर्स लग रहा है उतना लेफ्टवर्ड लग रहा है, तो नेट फोर्सेस डाइपोल के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन टॉर्क तो लगेगा। अब देखो कपल ऑफ फोर्सेस बन रहे हैं तो इसके ऊपर नेट टॉर्क होगा, है ना, कि अगर आपको निकालना है कि व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल, कि भाई डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, तो जो टॉर्क होगा उसको हम निकाल सकते हैं, ये क्यू ई है, ये क्यू ई है, और बीच के इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, है ना। तो उसके लिए दो चीजें आपको चाहिए होंगी, एक तो ये एंगल और दूसरा ये डिस्टेंस टू ए, है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका टू ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो जो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी क्यू ई इंटू टू ए कॉस थीटा, है ना। इसके बजे टाइप हो टू ए साइन थीटा होगा, सॉरी सॉरी साइन
साइन थीटा, हाँ साइन थीटा होगा, ठीक बोल रहे हो। यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा सर आपका, 2a साइन थीटा, है ना, यहाँ पे कॉस नहीं बल्कि साइन आ जाएगा, है ना, इसके बेस में आपका ये 2a साइन थीटा हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे 2a साइन थीटा आप ले लो, है ना, इसी टॉर्क की वजह से क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा, तो टॉर्क ऑन डाइपोल की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्यू इंटू क्यू ई फोर्स इंटू डिस्टेंस 2a साइन थीटा। इसको डाइपोल के फॉर्म में लिख दें तो हम लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, ये क्यू इंटू 2a डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, और पी इंटू ई साइन थीटा को हम वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, ये पी एंड ई का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, है ना। तो जब भी कोई डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस्ड है तो उसके ऊपर कभी कोई नेट फोर्स नहीं लगता है, वो तो जीरो होता है, नहीं नेट टॉर्क होता है, और वो नेट टॉर्क पी वेक्टर और ई वेक्टर का क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना, कि वो पी एंड ई वेक्टर का क्या हो जाएगा, सकिए आपका क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो सेकंड चीज आपकी टॉर्क आ गई, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा सर, अबाउट कौन सा पॉइंट टॉर्क लिए, टॉर्क कौन सा पॉइंट के वोट ले लो, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पॉइंट के वोट ले लो, तो क्यू इनटू डिस्टेंस ले लेंगे ना, जैसे मैंने इसके वोट ले लिया, ये जो ये वाला चार्ज था, तो क्यूई एक क्यूई की वजह से जीरो हो गया, अब इस क्यूई से डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो परपेंडिकुलर, तो क्यूई इंटू टू ए साइन थीटा हो गया, तो एक टॉर्क लगेगा जो कि इसको रोटेट करेगा, है ना। अब सेंटर ई क्रॉस पी क्यों नहीं हो सकता, हाँ सर ई क्रॉस पी भी तो हो सकता है, यही पी साइन थीटा, नहीं वो डायरेक्शन की वजह से होता है सर, डायरेक्शन जो होगी ना जब क्लॉकवाइज रोटेट कोई चीज करती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस के कैप होती है, जैसे इस केस में क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना ये, तो डायरेक्शन माइनस पी कैप होगी, तो आप देखो पी एंड ई का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इनटू द प्लेन आना चाहिए, है ना, पी एंड ई का इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इनटू द प्लेन आना चाहिए, क्योंकि पी तो इस तरफ है और ई इस तरफ है, तो जब मैं पी एंड ई का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो ये इनटू द प्लेन आएगा, मतलब माइनस के कैप आना चाहिए, इसलिए हम उल्टा नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने जानबूझ के पी क्रॉस ही लिखा हुआ, यस ये हम कर लेंगे, वो डायरेक्शन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग है, है ना, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जस्ट हम डायरेक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, तो टॉर्क की वैल्यू पी क्रॉस ही हो जाएगी, कि पी वेक्टर और ई वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसके ऊपर क्या जाएगा, टॉर्क वेक्टर आ गया। थर्ड चीज आती है एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, कि एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अभी पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स जो होता है वो हम ये बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज एक्सटर्नल वर्क डन टू रोटेट डाइपोल इन फील्ड स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका जाएगा, है ना, कि इसको रोटेट अगर हम करना चाहें ना कॉन्स्टेंट स्पीड से, है ना, तो कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और वो सिस्टम में कैसे स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये हो जाएगी कि डी यू जो होगा वो डी डब्ल्यू हो जाएगा, और डी डब्ल्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो टॉर्क इंटू डी थीटा हो जाएगी, क्योंकि रोटेशनल वर्क डन की हम बात कर रहे हैं, तो टॉर्क को डी थीटा से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ से जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो हम लिख देंगे पी साइन थीटा, है ना, इंटू डी थीटा, अभी तो टॉर्क आपने पढ़ा, और एक माइनस साइन लगा देंगे, है ना, माइनस साइन, क्योंकि जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन इंटू द प्लेन है, तो ये माइनस आ गया आपका एक साइन, है ना, यहाँ पे एक साइन क्या आ गया, इसलिए आपका माइनस आ गया, है ना। तो ये आपने बोला कि अगर मैं स्लाइटली इसको रोटेट करूँ तो इतना वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क कैसे स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे फर्दर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम यहाँ पे इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, पी ए साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब प्रॉब्लम है ना कि ये तो चेंज निकाल रहे थे हम, अब हम एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं, तो कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा ना, तो हम ऐसा ले लेते हैं कि जहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, रेफरेंस हम कुछ भी ले सकते हैं, ये रैंडम चूज किया हमने,
और जहां पे थीटा होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी यू आपको निकालना है कि भाई जब थीटा जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी 90 होगी, वहां पे अगर जीरो है तो किसी थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसको इंटीग्रेट करके वैल्यूज हम पुट कर देंगे, है ना, इसको इंटीग्रेट करके हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे वैल्यू। सॉरी ये नेगेटिव गलत लगा दिया मैंने, नेगेटिव मत लगाओ, वो तो नेचुरली बाद में आ जाएगा, है ना, कि साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस पी कॉस थीटा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो माइनस पी कॉस थीटा या माइनस पी डॉट ई होता है। तो जस्ट तीन चीजें इसमें हैं कि कोई भी डायपोल जब एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस होगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क पी एन ई का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, एंड इट विल पजेस सम पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी माइनस पी और ई का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए, है ना, इसको लिख लो आप थोड़ा सा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हमने यहाँ पर डिस्कस किए, है ना। तो ये होता है डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड, इट विल हैव नेट फोर्स जीरो, इट विल हैव सम टॉर्क, है ना, और जब रोटेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें स्टोर होगी, तो वो माइनस पी डॉट ई होगी, है ना। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है, वो भी आपको थोड़ा सा जानना होगा। है ना, हम यहाँ पे कुछ इक्विलिब्रियम्स की बात करते हैं, हाँ? है ना, वी कैन टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, कि भाई डायपोल का इक्विलिब्रियम हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड में, है ना, कि ये कोई आपकी यूनिफॉर्म फील्ड है, है ना। और इस यूनिफॉर्म फील्ड में आपने कोई डायपोल अगर ऐसे प्लेस कर दिया फील्ड के पैरेलल, फील्ड भी इस तरफ है, डायपोल भी इस तरफ है, तो आपको तो अगर फील्ड के पैरेलल आपने इसको प्लेस कर दिया है मीन्स फोर्स तो इसमें जीरो होता ही है, अब इसमें टॉर्क भी जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि साइन जीरो जीरो डिग्री होती है। प्लेन की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो जाएगी कॉस जीरो वन हो जाएगा तो माइनस पी हो जाएगी, तो फोर्स एंड टॉर्क दोनों जीरो है, मतलब इक्विलिब्रियम में डाइपोल होगा, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी है, मिनिमम है। तो जब भी कोई चीज इक्विलिब्रियम में होती है और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पजेस करती है तो उस इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा होता है, है ना, उस इक्विलिब्रियम का नेचर होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। कि अगर मिनिमम इक्विलिब्रियम है तो ये जो मैंने केस बनाया है दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। तो जब भी आपकी फील्ड और पी पैरेलल होंगे, थीटा की वैल्यू जब जीरो डिग्री होगी, तो डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, और स्टेबल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी होती है कि वहां से अगर हम स्लाइटली इसको रोटेट करें तो ये ऑसिलेट करता है, इफ स्लाइटली रोटेटेड, रोटेटेड देन इट परफॉर्म एज सच,
इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसी भी डायपोल का अगर मैं इस तरह से स्लाइटली यहाँ पर रोटेट कर दूं ना, तो ये इस तरह से ऑसिलेट कर लूंगा, है ना। तो ये ध्यान रखना इसमें कि थीटा अगर जीरो है तो फोर्स तो हमेशा जीरो होता है, टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होगी तो अगर हम स्लाइटली रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से एस एच एम परफॉर्म करने लगेगा, ऐसा, है ना। किस तरह से क्या परफॉर्म करेगा एस एच एम, है ना। तो ये तो स्टेबल हो गया, ऐसे आपका एक आ जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है इसमें थीटा 180 डिग्री होगा कि भाई ये अगर फील्ड है, है ना, तो डाइपोल जो है वो फील्ड के अपोजिट रखा हुआ है। कि अगर ये फील्ड है तो पी जो इसके अपोजिट रखा हुआ है ना। तो इस केस में आपको थीटा 180 डिग्री होगा, तो अगर थीटा 180 डिग्री होगा फोर्स तो जीरो होता ही है, टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, और टॉर्क जीरो होगा लेकिन आपको होता है पोटेंशियल एनर्जी अब पॉजिटिव हो जाएगा, पी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो जब भी फोर्स एंड टॉर्क जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में स्लाइटली रोटेट करेंगे तो सेम डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, इट विल नॉट परफॉर्म एज सच इफ स्लाइटली रोटेटेड, है ना, देन इट फर्दर रोटेट इन सेम डायरेक्शन, फर्दर रोटेट इन सेम डायरेक्शन, वापस नहीं आएगा, रिस्टोरिंग नहीं होगी इसकी, सेम डायरेक्शन, है ना, कि फर्दर जो रोटेट हो जाएगा वो सेम डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना उसमें कि सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसलिए आपका रोटेट कर जाएगा, है ना, तो आपका जाएगा ऑसिलेट करेगा ऐसा। ये क्या चीज है रोटेट, मतलब डाइपोल, डाइपोल डाइपोल भाई, इसको अगर मैं स्लाइटली ऐसे रोटेट करूँ ना ऐसे, तो ये उसी डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, वो तो क्लियर है कि भाई ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अभी टॉर्क जीरो है, लेकिन हल्का सा अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूँ तो पॉजिटिव पे जो फोर्स होगा वो फील्ड के अलॉन्ग ऐसे लगता है, और नेगेटिव पे जो फील्ड के अपोजिट लगता है। तो जिस डायरेक्शन में रोटेट किया उसी डायरेक्शन में चला जाएगा ना, ये एस एच एम परफॉर्म नहीं करेगा, ये एस एच एम होगा। वैसे तो आपका कहना से ये ऑसिलेशन लिखना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में एस एच एम होता है, तो मैं इसको भी बताता हूँ कैसे एस एच एम होता है। पहले आप ये ध्यान रखो कि स्टेबल अनस्टेबल का मतलब क्या है। स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, डिस्टर्ब करेंगे तो ऑसिलेट करेगा, अनस्टेबल में उसी डायरेक्शन में डायपोल रोटेट कर देगा। इफ डायपोल लिख लो यार, डायपोल की बात कर रहे हैं सर, तो फिर वो पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, स्टेबल में आ जाएगा, है ना। अल्टीमेटली किस में आ जाएगा, बेसिकली आपका स्टेबल में, है ना। अब ये जो मैंने वर्ड यूज किया ना एसएचएम, आप देखो जैसे मैं इसको अगर थीटा एंगल से टर्न करूंगा, इसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क लग जाएगा, और वो रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा माइनस पी साइन थीटा। और मैंने एक वर्ड यूज किया स्लाइटली, मतलब ये चीज इक्वल हो जाएगी माइनस पी थीटा के। तो अगर रिस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस थीटा के, तो ये एसएचएम की कंडीशन हो जाती है, है ना। तो यहां से हम इसका अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, तो माइनस पी बाई आई हो जाएगा इंटू थीटा। और ये जो पी बाई आई होता है, दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ पी बाई आई, और एक बार ओमेगा आ गया तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इसके एसएचएम का जो टाइम पीरियड होगा वो इतना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई पी, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है कि जब डायपोल ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड इतना हो जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई पी। तो ये जस्ट थोड़ा समझ में आता है, सिक्स फिफ्टीन तक बेटा क्लास विल कंटिन्यू अप टू 6:15। आज की क्लास थोड़ी लंबी होती है ना, तो 6:15 तक होगी। जो ब्रेक है मैंने उसको लास्ट में एडजस्ट कर दिया है।
कोई नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे यार, रिलैक्स होके पढ़ो एकदम। अब तो थ्योरी हो रहा है, अब तो कुछ न्यूमेरिकल से करवाऊंगा ना। सर अल्फा के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने? ब्रैकेट में उसके साथ लिख दिया ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एसएचएम ब्रैकेट के अंदर पीई बाई आई, पीई बाई आई इसी टॉर्क को मैंने यहां पुट कर दिया है। टॉर्क बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो ये पीई बाई आई, टॉर्क की वैल्यू जब पुट करेंगे ना तो ये पी बाई आई इंटू थीटा हो जाएगा। जो थीटा का कॉफिशियंट होता है ये ओमेगा स्क्वायर होता है, यहाँ से ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया आई बाई पी है ना। लेकिन ये जो सारा कुछ है ये इसका कंटिन्यूएशन है, ध्यान रखना उसमें, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद की चीजें हैं, अनस्टेबल से इसका कोरिलेशन नहीं है। कोई भी चीज ऑसिलेट जब करती है तो स्टेबल के अबाउट करती है, ऑसिलेशन इज ऑलवेज अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जस्ट हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डायपोल की थ्योरी पढ़ ली कि भाई कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल है तो हाउ टू कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट, सबसे पहले चीज ये आई थी डायपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे। फिर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल कितना होगा, उसकी बहुत सारी अप्रोच, ये पोटेंशियल का, ये फील्ड का, और थर्ड आ गया कि डायपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो डायपोल के ऊपर फोर्स टॉर्क है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, उसकी हमने बात की है ना। तो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दे रहा हूँ, आराम से उसको सॉल्व करो है ना, और कल भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स ही होंगे क्योंकि काफ़ी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। मेरे पास कम से कम 50 न्यूमेरिकल जमा हो गए हैं जो कि मैंने अभी आपको नहीं करवाए हैं, है ना, वो 50 पहले मैं ख़त्म करूँगा है ना। अराउंड 50 न्यूमेरिकल्स पेंडिंग है आपके, अभी पहले वो न्यूमेरिकल ख़त्म होंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे डाइपोल से आगे, है ना। तो एक एक करके मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करो। पहले मैं डाइपोल ही ले लेता हूँ, बाद में बाकी चीज़ पे आएंगे। है ना, पहले हम डाइपोल पे आ जाते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं अभी आपके, कल करवाऊंगा मैं आपको, कल थोड़ा सा अच्छे से अब तक जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे उसे। हाँ ये कुछ नहीं, इसका एक तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी था। हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन ऑफ डाइपोल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जाता है।
हाँ भव्य आपका आंसर सही है। हाँ मनस्वी आपका आंसर सही है। पता नहीं आप लोग सब लोग सी लिख रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है बी ऑप्शन सही है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन आई थिंक। देखो मैं बताता हूँ क्या पूछा हुआ है इसने। पहले तो डायग्राम बनाओ जो इसने पूछा हुआ है। इसने बोला है कि डाइपोल जो है ना वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे है ना, और इससे बहुत लार्ज डिस्टेंस पर, ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस तो लार्ज होती है। यहाँ पे कोई पॉइंट है ना,
ये ओ है, ये आपका कोई पॉइंट है। यहाँ पे जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिजल्टेंट है वो वर्टिकल है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो इसने बोला हुआ है कि अगर ऐसा है कि डाइपोल तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और फील्ड अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा पूछ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थीटा। देखो सिंपल हम थ्योरी की बात करेंगे, मैं जानता हूं इस पी पॉइंट पे इस फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है ER और दूसरा होता है ई थीटा, उसी का तो रिजल्टेंट होता है नेट फील्ड जो कि वर्टिकल है। और ये एंगल आपने एक फाई डिफाइन किया था, ये ER से जो एंगल बनाता है वो फाई बनाता है। तो अगर मैं सिंपल से इस फाई का फॉर्मूला अगर मुझे याद है तो मैं सीधे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अभी आपने पढ़ा था जो टेन फाई होता है, अपने लेक्चर में देखो टेन फाई की वैल्यू टेन थीटा बाई टू होती है ना, टेन फाई की वैल्यू क्या होती है एग्जैक्टली आपके थीटा बाय टू होती है। ये तो जनरल फॉर्मूला है। यहाँ आप देखो क्या थीटा और फाई में कोई रिलेशन है, कि अगर डायपोल हॉरिजॉन्टल है और फील्ड नेट वर्टिकल है तो फाई और थीटा आपस में रिलेटेड है ना। हम लिख सकते हैं कि जो थीटा एंड फाई का सम होगा या जो फाई होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। डायपोल हॉरिजॉन्टल और फील्ड वर्टिकल है तो फाइव की वैल्यू 90 माइनस थीटा ही तो हो जाएगी। इसमें कोई किसी को डाउट है क्या? नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां से अगर मैं पॉइंटल लाइन ले लूं तो ये एंगल थीटा ही तो है, तो थीटा एंड फाइव का सम 90 हो जाएगा, तो फाइव इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से फाइव की वैल्यू 90 माइनस थीटा पुट कर दो तो यहाँ से टेन 90 माइनस थीटा आ गया इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू आ गया, तो एक कॉट थीटा हो जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू हो जाएगा, है ना। मीन्स टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट टू आ जाएगी। मीन्स इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। पीरियडो का एक क्वेश्चन है, पीरियडो के क्वेश्चन को ही ऑब्जेक्टिव इसने बनाया हुआ है ना। तो सीधे हम कर सकते हैं सर, डायपोल हॉरिजॉन्टल है और उसकी फील्ड से वर्टिकल है तो वो एक पर्टिकुलर एंगल पर ही पॉसिबल होगा और वो एंगल टेन इनवर्स रूट टू हो जाएगा। तो सीधे हम निकाल सकते हैं, इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला मैंने नेट फील्ड का बताया था आपको, दैट इज द के पी बाई आर क्यू अंडर रूट ऑफ वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हमने नेट फील्ड के निकाले थे ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के लिए, तो मैसेज कर सकते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, मैं भी आज थक गया, उसके बाद क्लास वाइंड अप करते हैं, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। कल आप अच्छे से रिवाइज करके आना, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कल करने हैं आपने। वो क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, एक क्वेश्चन था लेकिन वो है नहीं इसमें। चलो कल करेंगे फिर उस क्वेश्चन को भी, तब तक मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा, है ना। तो आज के लिए इतनी काफी, तो कल हम पूरे स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस करेंगे, मतलब सारे स्टार्टिंग से एकदम। ओके सर। कूलम्स लॉ से पूरे क्वेश्चंस होंगे सॉल्व, जो भी छूटे हुए हैं मेरे क्वेश्चंस, है ना, जो भी मैंने क्वेश्चन की लिस्ट में क्वेश्चंस मेरे होते हैं ना, तो जो छूटे हुए होंगे सारे करवाऊंगा मैं टाइपोल तक। तो व्हाट वी सर, एक रिक्वेस्ट थी, मतलब जब आप क्लास कराते हो तो उसके बाद सर आप मतलब हर क्लास के बाद कुछ होमवर्क दे दीजिए करिए, उससे क्या होता है ना साथ साथ में कर लेते हैं, वरना फिर सर पूरा मतलब टॉपिक खत्म होने के बाद जब करते हैं तो कई बार सारे क्वेश्चन हो नहीं पाते, उतना टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, मैं कल या पूरा चैप्टर एक साथ करते हैं तो सर सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते। कल मैं दूंगा आपको। एक्चुअली फिजिक्स के मॉड्यूल में प्रॉब्लम क्या है ना, कि फिजिक्स के मॉड्यूल में बड़े मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, तो उसको सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अब हम काफी पोर्शन कर चुके हैं तो मैं आपको दे दूंगा कल मैं। सर क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में टीचर बता देते ना तो उनका जल्दी मतलब होमवर्क हो जाता है। हाँ, ये बात सही बोला, फिर टाइम लग जाता है। चलो मैं बता दूंगा कल आपको, है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो वी हैव कवर्ड विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस ऑफ नॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ नॉन कंडक्टर आपने कर लिया, है ना, ये कंप्लीट हो गया कल की क्लास के बाद, ये कंप्लीट हो जाएगा।
ना, अब तक हमने कंडक्टर की बात ही नहीं की, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर हम पढ़ लेंगे इसके बाद, तो कंडक्टर नॉन कंडक्टिंग पढ़ लिया, अब कंडक्टर पढ़ना है आपने। कंडक्टर तो छोटा ही है, एक दो क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। अब होमवर्क दूंगा मैं आपको। थैंक यू सर, आपने जो बोला है जरूर फॉलो होगा, ये सही बात है।